Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. It's time for another haul and this time we have products from Clovia. Clovia ke saath main pehle bhi kaam kar chuki hu. I think COVID ke time maine Clovia se kaafi shopping kari thi aur tab bhi jo maine launch day mangaye the undergarments, panties, night suits wo mere abhi bhi chal rahe hain. So definitely the quality of Clovia stuff is really good. So maine dobara shop kiya hai from Clovia because Clovia par chal rahi hai clearance sale. So abhi bhi aap agar jaoge aapko bahut crazy discount milne wale hain. 60-70% off आपको मिल जाएगा एंड यू गाइज नो लॉन्च डे काफी महंगी आती है तो जब ऐसे डिस्काउंट आते हैं तो ले लिया करो. सो दिस टाइम आई डोंट हैव लाइक स्पेसिफिकली लॉन्च डे कैटेगरी, वो तो सब कुछ मेरे पास रखा ही है. मैंने एक दो लॉन्च डे लिया बट आई शॉप स्विमवेयर दिस टाइम. सो अगर आप बीच पे जा रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, अगर आपको स्विमवेयर रिकमेंडेशन चाहिए मैं आज की वीडियो में आपको थोड़े से दे पाऊंगी बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग टू अ बीच वेकेशन. आई एम गोइंग टू बाली. सो मुझे थोड़े बहुत स्विमवेयर चाहिए थे और मुझे क्लोविया पर काफी अच्छे ऑप्शन दिख गए. सो लेट सी. ये वीडियो बाय द वे मैं पहले शूट कर रही हूँ, लाइव जाएगी जब मैं वापस आ जाऊंगी बिकॉज वहां पे जो भी चीजें मैं डालूंगी मैं उसे एक ट्राई ऑन शॉट या फिर एक रिव्यू भी आपके लिए डाल ही दूंगी उसमें. सो करंटली आई एम ओनली शोइंग यू द स्टफ. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी बीचवेयर कैटेगरी के साथ. इस प्रोडक्ट का नाम है पैडेड हॉल्टन एक बिकनी टॉप एंड हाई वेस्ट बिकनी बॉटम इन लाइलैक. सो इसमें तीन कलर अवेलेबल है, लाइलैक, ब्लू एंड पिंक. मुझे ब्लू चाहिए था लेकिन डार्क ब्लू आउट ऑफ स्टॉक था तो मैंने लाइलैक लैवेंडर कलर मंगा लिया. तो नंबर वन वी हैव द बिकनी थिंग जो आती है ऐसी. इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट एक बार आ जाए तो आप इजिली पहन सकते हैं. सो इट्स पैडेड विच इज गुड. आपको यहाँ पर पैडिंग्स भी मिल रही है. सो वी हैव अ नॉट थिंग राइट है जो आप ऑब्वियसली यहाँ पर बांध सकते हो एंड देन वी हैव द बैक थिंग. सो बैक पर भी नॉट है, पीछे भी नॉट है एंड जो लाइक जो इसका पूरा ये है ना ये काफी लंबा है. सो आप इजिली अलग अलग तरह के स्टाइल कर सकते हो. लाइक अगर आप इमेज में देखो मॉडल ने इसे क्रॉस करके डाला हुआ है. सो आई थिंक मैं भी इसको इसी तरह से कैरी करने वाली हूँ. दिस इज द बॉटम, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स अ हाई वेस्ट बिकनी ना सो ये थोड़ी सी ऐसे बड़ी जाती है बिकॉज ऑब्वियसली द वेस्ट लाइन इज स्लाइटली हाई. सो इफ यू आर शाय आपको ज्यादा रिवीलिंग वाली बिकनी भी नहीं पहनी, आई थिंक दिस इज अ रियली नाइस ऑप्शन बिकॉज से टमी काफी अच्छे से कवर हो जाता है, पीछे का हिप एरिया बहुत अच्छे से कवर होता है. इट्स मोर लाइक अ बॉय शॉर्ट्स सॉर्ट ऑफ थिंग एंड द मटेरियल इज पॉलिएस्टर. मैं आपको बता देती हूँ ये ऑब्वियसली कॉटन में तो मिलेंगी नहीं बिकॉज आप बिकनी पहनने बीच पे जाओगे तो कॉटन नहीं मिलने वाली. सेकंड जो मैंने मंगाई है इट्स मोर लाइक अ मोनोकनी, मोर लाइक इट्स अ मोनोकनी ओनली. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो ये भी पैडेड है. द गुड थिंग इज ये सारे पैडेड आते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इसके नीचे आप अपनी ब्रा तो पहनोगे नहीं. सो दे आर प्रॉपरली पैडेड प्लस दे हैव दिस थिंग एज वेल. सबके अंदर ना आपको यहाँ पे एक स्लिट मिलेगी, कैन यू सी. यहाँ से आप इसके पैड को निकाल के वॉश भी कर सकते हो बिकॉज पैड के साथ अगर आप इसको वॉशिंग मशीन में डाल दोगे तो पैड्स खराब हो जाते हैं. सो आई वुड एडवाइज यू हमेशा इनके पैड्स निकालो. जैसे हम स्पोर्ट्स ब्रा को वॉश करते हैं ना, हम हमेशा पैड्स को निकालते हैं फिर वॉश करते हैं. पैड्स को आप सेपरेटली खाली पानी में डिप करके स्क्वीज आउट कर सकते हो. अगर इनके पैड्स खराब हो गए ना ट्रस्ट में पूरी लुक बहुत खराब आएगी. जो मैंने साइज मंगाया इट्स अगेन एम. मोनोकनी में मैं एम ही मंगाना चाहती थी बिकॉज एस में क्या होता है जो ये वेस्ट एरिया होता है ना ये काफी टाइट हो जाता है एंड आई हैव बेली फैट इश्यूज. मेरा जो बेली फैट है ना वो मीडियम साइज का है तो इसलिए मैंने एम मंगा लिया. अगर आप बिकनीज मंगा रहे हो ना जिसमें टॉप और बॉटम अलग होती है लाइक जो मैंने आपको ये पहले दिखाई है, इसमें आप साइज एस ले सकते हो बिकॉज इसमें टमी वाला इशू नहीं होता. बट इसमें मैंने एक साइज अप लिया है. सो इट हैज दिस नॉट काइंड ऑफ थिंग एंड ये भी पीछे से काफ़ी अच्छे से कवरेज देती है. सो अगर आपको भी थोड़ा सा रिवीलिंग नहीं चाहिए, आपको थोड़ा बहुत कवरेज चाहिए सो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. यू कैन सी ऑन द मॉडल. बाय द वे मैं थोड़ी बहुत पिक्चर भी इंसर्ट कर दूंगी जो मैं पहनूंगी. ऑब्वियसली मैं फुल ऑन तो दिखा नहीं सकती बिकॉज आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल शोइंग इट ऑन कैमरा. बट जितना भी होगा मैं डेफिनेटली यहाँ पे पिक्चर्स इंसर्ट कर दूंगी. मैंने ट्राई करके देखी है, मैंने ये वाली ट्राई करके देखी थी. द मटेरियल इज नाइस और यहाँ पे ऐसा नेट जैसा दिया हुआ है जो हल्का सा ट्रांजी भी है बट एक कवर्ड वाली लुक आती है. द बेस्ट पार्ट इज आप इसके ऊपर शॉर्ट्स पहन सकते हो और एक आपका एक टक्ड इन वाला टॉप बन जाता है. आप शॉर्ट्स के साथ इसको पहन सकते हो, आप इसको प्लाजो पैंट्स के साथ पहन सकते हो. सो ओवरऑल इट्स लाइक अ मल्टीपर्पज सॉर्ट ऑफ थिंग जो होनी चाहिए. नेक्स्ट अप आई हैव ऑर्डर्ड अ पिंक बिकनी बिकॉज व्हाई नॉट, एक पिंक तो होनी चाहिए कलेक्शन में. ये मुझे काफी पसंद आई थी. इनफैक्ट इसी का मैंने एड देखा था, मुझे रैंडमली इंस्टाग्राम पर इसका एड दिख गया था. सो आई थॉट या व्हाई नॉट ट्राई क्लोविया. इसका नाम है पैडेड हॉल्टन एक मोनोकनी इन पीच कलर. वैसे तो पीच बोला हुआ है बट इसका एकदम ब्राइट पिंक सॉर्ट ऑफ कलर है. इसमें आपको मिल जाएगा ब्लैक और इसमें बहुत प्यारा मल्टी कलर भी है जो सैडली सोल्ड आउट हो गया था. ये मैंने काफी इन्फ्लुएंसर्स को भी पहनते हुए देखा है बट सैडली ये वाला मल्टी कलर वाला सोल्ड आउट हो गया था सो मैं ले नहीं पाई. काफी अच्छे डिस्काउंट पे मिला था. वहाँ पे ऑफ दिस वन इज 1900 रुपीज और ये मिला है 893 का विच इज फ्लैट 50% ऑफ एंड फॉर 893 द प्राइस इज गुड बिकॉज मैं जब कल रजौरी में मार्केट में भी लेने गई थी ना ट्रस्ट में ऐसे वाले मोनोकनीज आपको स्टार्टिंग प्राइस मिलेगी 1500 2000 3000. सो ट्रस्ट में अगर ऑनलाइन आपको ये रेट मिल रहा है ना ले लो, दिस इज अ स्टील डील. नेक्स्ट अप इज अ कॉर्सेट टॉप एंड आई वाज शॉक्ड कि क्लोविया पर टॉप भी मिल रहा है. मुझे लगा क्लोविया पर खाली स्विम वेयर नाइट वेयर और ब्राज ही मिलती होंगी बट दे हैव वेरी ब्यूटीफुल टॉप एज वेल और ये ऐसा स्टाइल मुझे काफी टाइम से लेना था. अगेन
अगेन मैंने काफी इन्फ्लुएंसर्स को पहनते हुए देखा समर्स में भी, जस्ट लाइक द स्लीवलेस काइंड ऑफ टॉप और फ्रंट से इतनी कवरेज दे रहा है स्टमक की, विच लुक्स नाइस बिकॉज अगेन मेरा बेली फैट है तो मैं काफी बार कॉन्शियस हो जाती हूँ, तो शॉर्ट्स याद भी पहनना ना तो एटलीस्ट टमी एरिया से कवर हो जाता है. यू कैन सी इन द इमेज कैसा लग रहा है. ओवरऑल द मटेरियल इज रियली नाइस, दिस इज कॉटन बाय द वे, और इसमें जो मैंने साइज पिकअप किया है वो है एम अगेन, सो दैट कंफर्टेबल रहे बिकॉज ये फुल स्ट्रेच वाले होते हैं, तो अगर आप एस लोगे ना वो और इतना टाइट आएगा, फिर वो और चीज फंस के आएगी. एम का फिट मुझे बहुत अच्छे से आया है, मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ, आई एम 34B, तो 34B के हिसाब से मुझे एम का साइज बहुत कंफर्टेबल आया है. नेक्स्ट अप आई हैव अ सैटिन नाइट वेयर सेट, सो इसके अंदर ना एक प्रिंट था मेकअप वाला, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था, उसमें सारे को ऐसे मेकअप बना हुआ था, मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट करती हूँ एंड व्हेन आई सॉ इट आई वाज लाइक यार यही लेना है, बट देन उसके बाद नीचे सेम सजेशन मुझे ये दिखा, सो आई फेल लाइक अभी ये वाला ले लेती हूँ, मेकअप वाला बाद में ले लूंगी बिकॉज वहां पर ऐसे मेकअप वाला टॉप थोड़ा अजीब लगेगा. सो आई बॉट दिस बिकॉज ये एकदम परफेक्ट है बीच वेयर के हिसाब से, इस पर जो डिजाइन बना हुआ है ना, दिस जस्ट स्क्रीम्स बीच वेयर, मतलब आई कैन इमेजिन माई सेल्फ वेयरिंग दिस शॉर्ट ऑन द बीच एंड पोस्टिंग अ नाइस इंस्टाग्राम स्टोरी बिकॉज लुक एट द प्रिंट, इस पर पूरा जो प्रिंट जा रहा है ना वो पूरा वही है. एंड द गुड थिंग इज ये सैटिन का है और ऐसा मटेरियल आप पानी में भी पहन सकते हो बिकॉज कॉटन या फिर कुछ और पहनोगे ना तो वो चिपक जाता है, ड्राई नहीं होता. सैटिन ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी ड्राई आउट जाती है, लाइट होती है. सो ये है शॉर्ट्स और इसमें आपको पॉकेट भी मिल रही है विच इज गुड एंड द पॉकेट इज डीप, मतलब आप इजिली अपना फोन वगैरह रख सकते हो. सो ये शॉर्ट्स एंड द लेंथ इज ऑल्सो गुड, ये बिल्कुल भी छोटी नहीं है, यू कैन सी इसकी लेंथ काफी अच्छी है. सो ये है शॉर्ट्स. देन नेक्स्ट अप वी हैव दिस स्पेगेटी टॉप विच इज अगेन नॉटेड, सो यहाँ पे आपको नॉट्स मिल रहे हैं, सो आप डीप भी कर सकते हो जितना आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से करना है. पीछे से दिखता है कुछ इस तरह से. वी हैव दिस रफल्स एज वेल एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसमें मैंने साइज लिया है एम बिकॉज मुझे ज्यादा बॉडी हगिंग नहीं चाहिए था. इसकी जो शॉर्ट्स है वो अच्छी ढीली है विच आई वॉन्टेड. फ्रंट में इलास्टिक नहीं है, बैक में इलास्टिक है, तो एक अच्छा स्ट्रेच भी आ जाता है. मुझे एस भी आ जाता बट एस में क्या होता है शॉर्ट्स और ज्यादा टाइट होती एंड सैटिन जो होता है वो स्ट्रेचेबल नहीं होता. सैटिन इज नॉट अ स्ट्रेचेबल मटीरियल, तो अगर वो टाइट आई आप बैठोगे बहुत खिंचा खिंचा फील होगा. एंड सैटिन इज अ मटीरियल जो इजी ब्रीजी लूज होना चाहिए, नाइट वेयर कैटेगरी का, तो डेफिनेटली मैंने एक साइज अप ले लिया. इसका एमआरपी है 1899 और ये मुझे पड़ा है 498 का, विच इज अ क्रेजी डील. आपको ऑफलाइन स्टोर्स में भी सैटिन का सेट इतना सस्ता नहीं मिलने वाला. नेक्स्ट अप आई पिक टू ब्रास एज वेल. एक तो मैंने रेगुलर वेयर वाली लिया जो कॉटन की डेली में चाहिए ही होती है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, वेरी रेगुलर वाली कॉटन की ब्रा जो डेली वेयर में चाहिए ही होती है. घर की ब्रास ज्यादा जल्दी गिर जाती है बिकॉज ऑब्वियसली मेरा तो वर्क फ्रॉम होम ही है, मैं ज्यादा बाहर नहीं जाती, जाती भी हूँ तो ऑब्वियसली बाहर पैरेट पहनती हूँ, लेकिन घर पर भी ऐसे नॉन पैरेट चाहिए होती है. सो ये ग्रे कलर की डेली वेयर वाली ब्रा है. प्राइस ऑफ दिस वन इज 599, लेकिन क्लोविया पर एक अच्छी डील है कि अगर आप 4 ब्रास लेते हो ना इनकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी से, ये आपको दिखा देगा, आप जब एक ब्रा ऐड करोगे ना ये आपको खुद ही बोलेगा बाय 3 मोर फॉर द डील. सो अगर आप 4 ब्रास लेते हो इट विल कॉस्ट यू फॉर 899, सो 900 रुपीज में आपको 4 ब्रास मिल जाएंगे जिसमें पैरेट नॉन पैरेट काफी सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं, तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट बिकॉज आजकल ऑब्वियसली लॉन्जरी काफी महंगी हो गई है. सो अगर आपको 900 में 4 मिल रही है इट्स नॉट एट ऑल अ बैड डील. सेकंड वन मैंने पिक करी है ये स्किन कलर में. ऑलवेज हैव अ स्किन कलर ब्रा इन योर वार्डरोब बिकॉज ये हमेशा सबसे ज्यादा काम आती है और इसका स्टाइल मुझे काफी यूनिक लगा. सो इसका नेम है फ्लेयर नॉन पैरेट नॉन वायर डेमी कवरेज स्पेसर कप फ्रंट ओपन प्लंज ब्रा इन न्यूड कलर कॉटन रिच. 629 की है बट अगेन 899 के ऑफर में आपको 4 मिल जाएंगे, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग द एमआरपी. सो ये फ्रंट ओपन एक ब्रा है जो मुझे काफी यूनिक लगी. सो यू हैव अ लॉक ओवर हेयर एंड जब आप लॉक ऐसे खोलोगे, आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट एवर फ्रंट ओपन ब्रा, तो मुझे भी नहीं पता इसका लॉक. ओके, सो यू जस्ट हैव टू पुश इट लाइक दिस और ऊपर से ऐसे निकाल लो. सो इट्स क्वाइट ईजी टू वेयर. सो अगर आपका साइज बहुत ज्यादा है या फिर आपको बैक एक होता है, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु कांट वेयर ब्रास एट द बैक बिकॉज प्रॉब्लम होती है, सो ये स्टाइल मुझे काफी अच्छा लगा. फ्रंट ओपन है तो आप इजिली ओपन क्लोज कर सकते हो एंड वी हैव द लेस थिंग गोइंग ऑन ऑल ओवर द प्लेस. फ्रंट में लेस जा रही है, बैक में लेस जा रही है, सो एज अ ब्रालेट टॉप भी काफी अच्छी लगेगी. अगेन फॉर बीच वेयर अगर आप कॉट सेट के नीचे एक ब्रालेट टॉप पहना चाहते हो तो इसकी लुक काफी अच्छी आई है. एंड अगेन द कलर इज रियली वर्सेटाइल. नेक्स्ट अप इन द पैंटी कैटेगरी आई हैव दिस हिपस्टर पैंटी. ये वैसे मुझे न्यूड कलर में चाहिए थी लेकिन जैसे मैंने डाला वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया. सो सेल के टाइम ऐसे ही होता है, सो अगर आपको भी कुछ लेना जल्दी ले लो बिकॉज चीजें फिर सेल आउट हो जाती हैं, कलर सेल आउट हो जाते हैं. सो हिपस्टर पैंटी जो होती है थोड़ी सी हाई वेस्टेड है, हाई वेस्ट जीन्स के साथ भी आपकी चल जाएगी. मुझे मेनली ड्रेसेस के साथ के लिए चाहिए थी, सो ये पूरी ऐसे यहाँ से कवरेज देती है हिपस्टर वाली जो होती है, ऑलमोस्ट हिप्स को पूरा कवर कर देती है. दिस इज ग्रेट फॉर शॉर्ट ड्रेसेस अगर आप
बीच वेयर पे जा रहे हो ऑब्वियसली विल बी वेयरिंग शॉर्ट ड्रेसेस, आप शॉर्ट्स पहनोगे, शॉर्ट स्कर्ट्स पहनोगे, तो उसके नीचे आप प्रॉपर वाली साइकिलिंग शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, या तो आपके पास बहुत छोटी वाली साइकिलिंग शॉर्ट्स हो जो मेरे पास नहीं है. सो मुझे ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, मैंने एक इन्फ्लुएंसर के सजेशन पे देखा था इंस्टाग्राम रील पे कि आप ऐसी हिपस्टर वाली पैंटीज पहन सकते हो, सो नीचे काफ़ी अच्छी कवरेज देती है. द साइज दैट आई पिक्ड अप इज एम, अगेन मैं बॉटम में हमेशा हायर साइज लेती हूँ, बिकॉज जितना छोटा लोगे फिर वो टाइट आता है, फंसा हुआ आता है, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता. एंड समवन हु हेट्स वेयरिंग वेरी टाइट ब्रा, वेरी टाइट पैंटीज, आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो इसलिए मैंने एम साइज पिक किया. अदरवाइज यू कैन रेफर टू देयर साइज चार्ट एज वेल, सबके घर में इंची टेप होती है, आप साइज चार्ट से मैच करके भी ले सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट साइज चाहिए. एंड फाइनली एट लास्ट आई पिक्ड अप दीज लो वेस्ट पैंटीज, जो हमेशा चाहिए ही होती हैं, बिकॉज काफी बार जब आप लो वेस्ट जीन्स पहनते हो या फिर आप नॉर्मल रेगुलर वेयर पहन रहे हो, आपका हाई वेस्ट कुछ पहनने का मन नहीं है, तो मैं रेगुलर बेसिस पे ऐसी लो वेस्ट वाली पैंटीज ही पहनती हूँ. एंड इट केम इन अ पैक ऑफ थ्री, मतलब ये पूरा जो पैक था वो थ्री का ही पैक था, अलग अलग पैक आई है. एंड लेट मी टेल यू द प्राइस, इसका भी डील काफी अच्छी थी. द डील ऑन दिस वन इज, दिस इज फॉर 1497 थ्री पैंटीज का मैं आपको बता रही हूँ, बट इट कॉस्टेड मी फॉर 449, विच इज फ्लैट 70% ऑफ, विच इज नॉट ऑल अ बैड डील. और मैंने ये एनिमल प्रिंट वाला लिया है बिकॉज मुझे काफी क्वर्की लगा, सो मैं एक खोल के देखती हूँ कि इसका मटेरियल कैसा है. वैसे तो मैंने क्लोवेयर की पैंटीज पहले भी यूज की हुई है, आई लव देम काफी सारे, तो मेरी अभी भी चल रही है. अगेन अ वेरी बेसिक कॉटन वाली पैंटीज जो सेफ रहती है, बिकॉज अगर आप पॉलिएस्टर की सिंथेटिक की पहनोगे ना, इट कैन गिव यू रैशेज ऑन योर बम्स, या फिर आपके बिकनी एरिया के लिए भी अच्छा नहीं होता, इट गिव्स यू रेडनेस एज वेल. सो हमेशा प्रेफर किया करो डेली बेसिस के लिए ऐसी कॉटन वाली प्रेफर करो. सो द प्राइस पॉइंट इज गुड, बिकॉज इसका MRP 499 है, लेकिन मुझे 499 में तीन मिल गई है, विच इज क्वाइट अ गुड डील. एंड विद दिस माई क्लोवियर हॉल इज ओवर. जो भी मुझे आउटफिट के शॉर्ट्स डाल लेना वो मैं वहाँ जाके डालूंगी, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे इंसर्ट कर ही दूंगी वीडियो में, आप देख ही सकते हो. यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, मैं वीडियो इसलिए भी जल्दी बना रही हूँ बिकॉज आके फिर मुझे फटाफट अपलोड भी करनी है, एंड यू नेवर नो सेल कब खत्म हो जाए. सो अभी सेल चल रही है, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्लोविया ऐप का लिंक भी डाल दूंगी, मेरे पास कोई डिस्काउंट कोड होगा मैं वो भी डाल दूंगी. सो या दैट इज इट फॉर माई टुडेज हॉल. डू लेट मी नो इफ यू लाइक इट और नॉट. आपको फ्यूचर में किसके हॉल देखने हैं, या कोई और ब्रांड, या फिर कोई ऐप, या फिर कोई वेबसाइट में रिव्यू करूँ, वो भी मुझे जरूर बताना. आई डेफिनेटली रिव्यू फॉर यू गाइज. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज काफी गट्स लगते हैं ऐसा कॉन्टेंट बनाने के लिए. भी हर कोई इतना ओपनली आके आपको लॉन्जरी कलेक्शन ही दिखाने वाला, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपनी फीमेल ऑडियंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कंटेंट बनाऊं, बिकॉज आई नो यू गाइज ऑल्सो नीड सम गाइडेंस. एंड या डू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड दैट इज इट. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.